इसराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाइत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। यरूशलेम इसराइल की राजधानी है, पर अन्य महत्वपूर्ण शहरों में तेल अवीव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है। इसराइल का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 22,072 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के छोटे देशों में माना जाता है। इसराइल दुनिया का अकेला यहूदी राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक 68 वर्ष पुराना है। इसराइल की कुल आबादी 85 लाख है, यानी भारत के बेंगलुरु में जितने लोग रहते हैं उतनी ही इसराइल की जनसंख्या है। फिलिस्तीन से टूटकर ही इसराइल बना था। 19वीं सदी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। 1900 में यहूदियों ने अलग राज्य की मांग छेड़ी थी। नागरिकता का अनोखा नियम। दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहां बच्चे के जन्म लेते ही इसराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों न हुआ हो। दूसरी छूट ये है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो वो जब चाहे इसराइल में आकर बस सकते हैं। इसे ऐसा समझिए कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हो तो जन्म लेते ही वो इसराइल का नागरिक भी माना जाता है। सेना में महिलाएं। दुनिया में इसराइल को शक्तिशाली सैन्य देश के तौर पर माना जाता है। इसराइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 85 लाख आबादी वाले देश में करीब 30 लाख सैनिक हैं। जितने मर्द सेना में काम करते हैं उतनी ही महिलाएं भी। 30 लाख की सेना में करीब 15 लाख मर्द और महिला सैनिक है। 15 साल की उम्र से ही इसराइल में बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इसराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम को किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता। इसराइल दुनिया का एकमात्र देश है जिसके क्षेत्र में 21वीं सदी में 20वीं सदी की तुलना में अधिक वृक्ष हैं। इसराइल की वायुसेना दुनिया में 4th नंबर की वायुसेना है। यह किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ जवाब देने में सक्षम है बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस करने की अक्षमता भी रखती है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे हैं। इसराइल दुनिया का इकलौता एक ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इसराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इजरायली बैंक द्वारा जारी नोट को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। इजरायल घरेलू कंप्यूटर उपयोग के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। दुनिया में पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने इजरायल में ही बनाया था और माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप इसराइल में ही बना था। यही नहीं, पहली वॉइस मेल तकनीक इसराइल में ही विकसित की गई थी। इसराइल अपने जन्म से अब तक 7 लड़ाई लड़ चुका है जिसमें अधिकतम में उसने जीत हासिल की है। इसराइल दुनिया में जीडीपी के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर करता है। दुनिया में सबसे पहला एंटीवायरस सबसे पहले सन 1979 में इसराइल में बना था। माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को ने अमेरिका के बाहर अपने रिसर्च सेंटर सिर्फ इसराइल में ही बनाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है। यह पासपोर्ट इसराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है। इसराइल के कृषि उत्पादों में 25 साल में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि पानी का इस्तेमाल जितना किया जाता था उतना ही अब भी किया जा रहा है। इसराइल अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। खाद्यान्न के मामले में इसराइल लगभग आत्मनिर्भर है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल इसराइल में तैयार हुई है जो 4.76 मिलीमीटर लंबी और चौड़ी है।